अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर लेक्चर विच इज़ एक्स्ट्रा लेक्चर एंड इट इज़ अबाउट अक्लूजन इन डेंटिस्ट्री या अक्लूजन इन कंप्लीट डेंचर्स। सो अक्लूजन इट इज़ डिफाइंड, व्हाट इज़ अक्लूजन? इट इज़ डिफाइंड एज द स्टैटिक रिलेशनशिप ऑफ द इंसाइजल आर मेस्टिकेटरी सर्फिसज ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टीथ। मतलब इंसाइजल इंटीरियर टीथ एंड मेस्टिकेटरी सर्फिसज मीन्स पोस्टीरियर टीथ ऑफ मैक्सिलरी टीथ एंड मैंडिबुलर टीथ। नाउ व्हाट इज आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन मीन्स जो ये आर्टिकुलेट हम करते हैं, टीथ सेटअप करते हैं, तो ये आर्टिकुलेशन क्या है? सो इट इज़ द स्टैटिक एंड डायनेमिक कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप। मतलब है कि जब हम आर्टिकुलेशन करते हैं तो एक तो स्टैटिक रिलेशनशिप होगा, हम उस स्टैटिक रिलेशनशिप में करते हैं, बट डायनेमिक कॉन्टेक्ट तो, लेकिन ये स्टैटिक फिर चेंज हो जाता है आफ्टर फंक्शन। जब आप डेंचर बनाते हैं तो स्टैटिक होते हैं, फिर जब वो खाना खाते हैं देन इट बिकम डायनेमिक कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन अक्लूजर सर्फिसज ऑफ टीथ ड्यूरिंग फंक्शन। तो ये स्टैटिक रिलेशनशिप भी है डायनेमिक ऑफ मैक्सिलरी टीथ मैंडिबुलर टीथ ड्यूरिंग फंक्शन। मतलब ये जब आप चीविंग करते हैं ड्यूरिंग फंक्शन। नाउ व्हाट इज सेंट्रिक रिलेशनशिप? इट इज़ मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप व्हेन द मैंडिबल इज इन इट्स मोस्ट पोस्टीरियर पोजिशन एंड द कंडाइल आर्टिकुलेट, ये आर्टिकुलेट है अच्छा, एंड द ग्लेनॉइड फोसा एंड द मैंडिबल इज इट्स रिलैक्स्ड पोजिशन द टीथ इज आउट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सेंट्रिक रिलेशन क्या है? मतलब आप रिलैक्स होके बैठ जाएं तो आपके इस तरह रिलैक्स, तो आपकी टीथ थोड़े से एक दूसरे से आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है और मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ की रिलेशनशिप है। लेकिन इस रिलैक्स पोजिशन में क्या होता है, मसल रिलैक्स होते हैं और कंडाइल जो है ना ये ग्लेनॉइड फोसा में होता है और मैंडिबल मोस्ट पोस्टीरियर पोजीशन में होते हैं। अब चेक कर लेना, रिलैक्स हो जाए और बैठ जाए तो आपका मैंडिबल फॉरवर्ड नहीं होगा, मोस्ट पोस्टीरियर पोजीशन से, इससे पीछे तो नहीं जाता। तो दिस इज सेंट्रिक रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज सेंट्रिक अक्लूजन? इट इज़ एन अक्लूजन ऑफ अपोजिंग टीथ व्हेन द मैंडिबल इज इन सेंट्रिक रिलेशन। तो ये सेंट्रिक रिलेशन तो एक चीज़ है, लेकिन सेंट्रिक अक्लूजन क्या है? अपोजिंग टीथ का कांटेक्ट है जब मैंडिबल सेंट्रिक रिलेशनशिप में होता है। इस सेंट्रिक अक्लूजन इट इज़ एन अक्लूजन अदर देन दैट इज द सेंट्रिक अक्लूजन। यानी इसेंट्रिक अक्लूजन क्या है? इट इज़ एन अक्लूजन अदर देन द सेंट्रिक अक्लूजन। तो सेंट्रिक अक्लूजन, सेंट्रिक रिलेशन और सेंट्रिक अक्लूजन ये चीज़ है। प्रोट्रूसिव अक्लूजन, दिस इज एन अक्लूजन विच एग्जिस्ट व्हेन द मैंडिबल इज इन प्रोट्रूसिव पोजीशन। मैंडिबल आप फॉरवर्ड करें तो जो अक्लूजन आता है दैट इज प्रोट्रूसिव अक्लूजन। लेटरल अक्लूजन, इट इज़ एन अक्लूजन व्हेन द मैंडिबल मूव्स टू आइदर लेटर लेफ्ट साइड और राइट साइड। एक साइड पे आप चीविंग करते थे राइट पे या लेफ्ट पे, मैंडिबल मूव करता है। और ये जब ये मैंडिबल फौरन जो आप खाना खाते मूव करता है तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड बेनेट मूवमेंट। सो देयरफॉर दिस साइड ऑन विच यू ग्राइंड द टीथ इज कॉल्ड द वर्किंग साइड एंड द अदर इज नॉन वर्किंग साइड या बैलेंसिंग साइड, बैलेंस्ड अक्लूजन। इट इज़ अ बायलेटरल सिमोटीनियस इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अक्लूजल कॉन्टेक्ट ऑफ टीथ इन सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक पोजिशन। तो बैलेंस्ड अक्लूजन क्या है? बायलेटरल है, एट सिमोटीनियस एट अ टाइम है, इंटीरियर टीथ भी है एंड पोस्टीरियर टीथ भी है, और सेंट्रिक में है और इसेंट्रिक दोनों में, सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों में सिमोटीनियस बायलेटरल इंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्टेक्ट है। दिस अक्लूजन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ डेंचर एंड रिड्यूस रिज रिजॉर्प्शन एंड सोरनेस एंड ओरल कम्फर्ट टू द पेशेंट। तो ये अक्लूजन जो है ना, बैलेंस्ड अक्लूजन, कंप्लीट डेंचर में हमेशा आप बैलेंस अक्लूजन डालना है। और नेचुरल टीथ में बैलेंस्ड अक्लूजन नहीं होता है, कभी टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, आपने देखा है
कभी मालपोस दांत होते हैं, कभी एक साइड, लेकिन आपने जब कंप्लीट डेंचर बनाना है तो दैट इज़ बैलेंस्ड ऑक्लूजन। तो ये ऑक्लूजन जब आप बनाएंगे तो एक तो डेंचर स्टेबल होगा, दूसरा जो है ना जब स्टेबल होगा तो एक्सेसिव फोर्स रश पे नहीं होगा, तो रिज रिजॉर्प्शन कम होगी, सोरनेस भी कम होगी एंड ओरल कंफर्ट टू द पेशेंट, और पेशेंट जो है ना वो उसको सेटिस्फाइड होगा, इज कंफर्ट होगा, आराम होगा। नाउ बैलेंसिंग साइड, इट इज़ दैट साइड ऑफ द मैंडिबल व्हेन इट मूव्स इन लेटरल एक्सकर्शन। मतलब जब हम मैंडिबल खाना खाते हैं तो मैंडिबल या लेफ्ट साइड या राइट साइड के लेटरल साइड पे मूवमेंट करता है, तो मैक्सिमम इंटरकॉस्पेशन, तो इन लेटरल एक्सकर्शन में मैक्सिमम इंटरकॉस्पेशन होगा। दिस मीन्स द कस्प टू कस्प कॉन्टैक्ट ऑफ द टीथ, कस्प टू कस्प कॉन्टैक्ट ऑफ द टीथ। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैंडिबुलर मूवमेंट्स, देयर आर फोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैंडिबुलर मूवमेंट्स। मैंडिबुलर मूवमेंट्स की फोर जो है ना डिटर्मिनेंट्स है, क्या है? द टू डिटर्मिनेंट्स आर द पोस्टीरियर टू टीम जॉइंट एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। मतलब जो है ना जो टू डिटर्मिनेंट पोस्टीरियर टीम जॉइंट है ना, टीम जॉइंट टू पोस्टीरियर साइड पे, ये तो दो डिटर्मिनेंट ये है। द इंटीरियर डिटर्मिनेंट आर द टीथ इन अक्लूडिंग कस्पल एंड क्लाइन। इंटीरियर डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? ये टीथ है और पोस्टीरियर टीम जॉइंट है जो अक्लूड करता है कस्पल इंक्लाइन। कस्प होते उसकी इंक्लाइन है ना, अपर एंड लोअर टीथ विच कॉन्टेक्ट। और नंबर थर्ड न्यूरोमस्कुलर कंपोनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैंडिबुलर मूवमेंट्स क्या है? पोस्टीरियर टू टीम जॉइंट है, इंटीरियर टीथ है जो कस्पल इंक्लाइंस अपर लोअर टीथ के, और न्यूरोमस्कुलर मसल्स और मास्टिकेशन कंपोनेंट्स। नाउ मैंडिबुलर मूवमेंट्स, मैंडिबुलर मूवमेंट्स अकर ड्यूरिंग मास्टिकेशन, स्पीच, स्वॉलोइंग, रिस्पायरेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पैरा फंक्शनल हैबिट्स लाइक ब्रॉक्सिज्म। मैंडिबुलर मूवमेंट्स हैव वेरियस टाइप्स बट मेनली टू मूवमेंट्स, हैंग मूवमेंट, जो जिस तरह हमारा ये मैंडिबुलर रिलैक्स पोजिशन है तो ये हैंग मूवमेंट, और ट्रांसलेटरी मूवमेंट। All mandibular movements are the combination of these two movements. सारे जो है ना मैंडिबल की मूवमेंट्स या तो हैंग होगा या ट्रांसलेटरी, तो ये कम्बिनेशन है इसका। द हैंग मूवमेंट आर आल्सो कॉल्ड रोटेशनल मूवमेंट, इसको रोटेशनल मूवमेंट्स करते भी कहते हैं। इट अकर्स इन थ्री इमेजिनरी एक्स, और ये थ्री इमेजिनरी मतलब इमेजिन करो, और ये थ्री एक्सेस है। थ्रीज इमेजिनरी एक्सेस ये आ सकते हैं ये एमसीक्यू कि वॉट आर द इमेजिनरी एक्सेस। तो ये ट्रांसवर्स एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस है और सेजिटल एक्सेस है। ट्रांसवर्स है, वर्टिकल, दीज आर इमेजिनरी एक्सेस। ये जो है ना जिसको जो है ना जो हैंग मूवमेंट्स है और जिसको रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं, तो ये अकर्स करते हैं थ्री इमेजिनरी एक्सेस। सो दीज आर द एक्सेस इन विच द मैंडिबुलर मूवमेंट्स अकर, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, सेजिटल। ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स ऑफ द कंडाइल कैन अकर एनी डायरेक्शन, हाउएवर इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन आर फॉरवर्ड प्रोट्रूसियो। मतलब ये मैंडिबल फॉरवर्ड लेटरल साइड शिफ्ट विच इज़ कॉल्ड द बेनेट मूवमेंट। मतलब जब मैंडिबल अचानक खुराक या कोई खाना खाते हो या बातें करते हुए फौरन लेटरल साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड बेनेट मूवमेंट, और ये जो एंगल बनाते हैं उसको बेनेट एंगल कहते हैं। द ट्रांसलेटरी मूवमेंट दैट अकर व्हेन द माउथ इज ओपन वाइड, और ट्रांसलेटरी मूवमेंट जो है ना जो that occur when the mouth is open wide. So now border movement of the mandible. ये जो movement border movement मतलब है कि जब आप mandible movement करते हैं, जब आप खाना खाते बातें करते हैं, तो कुछ limit होता है।
इससे आगे जो है ना मैंडिबल नहीं जाता, मतलब जब आप ओपन करते हैं तो कितना मैक्सिमम माउथ ओपनिंग का होता है, ये 36 मिलीमीटर। इस तरह जब मैंडिबल मूवमेंट करते हैं तो ये एक लिमिट में होते हैं, उसको कहते हैं बॉर्डर मूवमेंट्स। तो ये कौन सी बॉर्डर है नंबर, और उसको कहते हैं एनवेलप ऑफ मोशन एंड सेजिटल पेन, एनवेलप ऑफ मोशन एंड फ्रंटल पेन, ये फ्रंटल है FROTL, एंड एनवेलप ऑफ मोशन एंड हॉरिजॉन्टल पेन। देखो ये आपको मैंने कहा था आप सब स्टूडेंट्स को कि आप क्लासेस के लिए आ जाए, क्लासेस के लिए आ जाए, क्लासेस के लिए आ जाए। मैंने आपको 2 डेज बॉयज़ और 2 जो है ना गर्ल्स के लिए परमिशन ली थी, आप लोग नहीं आए, ये लॉस मुझे नहीं आपको होगा, क्योंकि ये कंप्लीट डेंचर बड़ी मुश्किल है। अगर आप आ जाते तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता देता। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस मतलब ये बड़ा मुश्किल में मुझे समझ आएगी आप लोगों को, तो एनी हाउ ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती हुई आप लोगों से कि आप जो है ना आप तो कॉलेज में जब आते हैं तो फिर भी आप क्लास नहीं आते, तो इसलिए अब ये जो आप जो को स्लास होगा तो देट यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर दिस लॉस। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच।